आपके साथ छठी जेपीएससी को रद्द करने की मांग के साथ कई अभ्यर्थी आज लगातार चौथे दिन भी अनशन पर बैठे रहे। सरकार से पारदर्शिता की मांग करते हुए और छठी जेपीएससी की नियुक्ति को रद्द करने की मांग के साथ साथ अमरण अनशन को लगातार जारी रखते हुए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जेपीएससी में बहुत सारा गड़बड़ियां सामने आई है, विशेष करके छठी जेपीएससी में ये 5 साल से विवादित रहा है। 2015 से ये वैकेंसी है और तभी से विवाद पर विवाद हो रहा है। ईटी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें और उसका रिजल्ट हुआ तभी से विवाद और बढ़ गया। उसमें आरक्षण का पालन नहीं हुआ था, जिससे कम अंक लाकर दिल्ली और पटना वाले स्टूडेंट पास हो गए थे। धरने के बहुत सारे 132-132 अंक लाकर भी फेल हो गए थे। बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ और विवादित रहा पिछली सरकार में। उस समय श्री हेमंत सोरेन जी जो पक्ष में थे, उन्होंने वादा किया था छात्रों के साथ और सदन भी चलने नहीं दिया था करीब 4 दिन तक। और खुद हमसे भी वादा किए थे कि जेपीएससी का जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो इसको सुधार करेंगे, इसको रद्द करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा से मुकर गए हैं सत्ता मिलते ही। और देखिए, अभी लॉकडाउन के पहले मुख्य परीक्षा का जो है विवादित था इतना, उसके बाद ज़बरदस्ती एग्ज़ाम ले लिया जाता है और काफ़ी लोगों ने इसका बैकआउट भी किया, विरोध भी किया। अभी बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां है। अभी मुख्य परीक्षा का हम लोग अनशन कर रहे थे उस समय, लॉकडाउन के समय में रिजल्ट दे देती है और इतना ज़्यादा गड़बड़ियां आया है उसमें। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट में सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि जो पहला पेपर होता है क्वालिफाइंग पेपर, उसको जोड़ करके मेरिट बना दिया गया है, जो कि भारत में कहीं नहीं होता है। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से विकास की रिपोर्ट। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।